तो मेरे को किसी ने बोला तू न्यू फाउंडलैंड गया लेकिन लैब्राडोर नहीं गया। ये भाई का ट्रक खराब हो गया भाई। नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं स्टार्ट, ओ स्टार्टर ब्लॉक हो गया। ग्रेड देखो ग्रेड, हम वहां पे वहां से नीचे जाएंगे 10% 8% 8%। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। नाम नूम तो मेरे को मालूम नहीं कि क्या नाम है इस जगह का, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि 10% की ग्रेड है। कोका हिल वाली जो ग्रेड है वो भी 10% की नहीं होती, उससे ज्यादा ये ग्रेड है। और आगे अपने को स्केल आएगी। 911 किलोमीटर सफर है और बोलते हैं कि ये जो सफर आपने करना है ना आगे, मेरे को लगता है शायद हो सकता है कि यूकॉन का रिकॉर्ड टूट जाए। जितना हमने ग्लेवर रोड वहां पे किया था उससे ज्यादा ग्लेवर रोड ये होगा। मैक्सिमम मैंने इसकी हैंड ब्रेक लगाई हुई है, ट्रक को किया हुआ है मैंने मैनुअल। 10% की जो ग्रेड होती है ना भाई बहुत ज्यादा होती है। और ये देखो लाइटें फ्लैशर चलते ही आ रहे हैं भाई। तकरीबन 3-4 किलोमीटर की डाउन है, उसके बाद में ये टाउन आ गया। क्यूबा के ऐसी प्रोविंस है यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाती है पंप के ऊपर। हमारे मतलब का सामान इधर पड़ा हुआ है भाई, हम तो दूध दाद वाले हैं, पॉलिथीन में दूध पड़ा हुआ है। कॉफी तो अपने मतलब की मिल गई भाई। ड्राइव थ्रू खड़े होकर ऑर्डर करना पड़ेगा, अंदर तो ये मार्केट बंद करके बैठे हुए टेम ऑर्डर वाले, पीछे लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। वन लास्ट फ्रेंच वनीला एंड एक इंच चीज दिस इज गार्बेज, थैंक यू। इतनी लंबी लाइन को काट दिया भाई हमने, चाय अपने को मिल जाएगी यहाँ से। अभी अगर यहाँ से टर्न आना हुआ ट्रक अपना तो बेइज्जती बड़ी होनी है, चाय वाय सब निकल जानी है बाहर अपनी। लेकिन देख लेते हैं, ट्राई मार के मैंने वहाँ से अंदर तो घुसेड़ दिया था और चाय भी उठा ली। एरेट स्टॉप। सारे काम हो जाते हैं, बस उसका नाम लेके जब निकलते हैं तो भाई चाय भी अपने को मिल गई। पहले ट्रिप में आगे टिम ऑर्डर के ऊपर आने के लिए रास्ता भी ढूंढ लिया हुआ। वापस जा रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट करूंगा, वो सामने इशारा है, फिर वापस लेफ्ट करूंगा और फिर निकल जाएंगे आगे। आगे मालूम नहीं अभी क्या होना है यार। तो मैंने उसको बोला एग एंड चीज, उसने दे दिया बेकन, एग एंड चीज। बेकन मैं खाता नहीं भाई। चलो हम उसको बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने बड़ी हेल्प की है लेडी ने, ड्राइव थ्रू के ऊपर ही अपने को सैंडविच दे दिया। अभी ये हमारे किसी काम का नहीं। चढ़ाई का लेवल देखो, ग्रेड देखो ग्रेड। ये रोड का नाम है 138 ईस्ट। आओ जी आओ, फ्लैशर लगा दिए भाई। एकदम से ऐसे चढ़ाई बढ़ी है, ट्रक ने अपनी जान ही छोड़ दी कि भाई मैं तो गया 30 पे आ गया 30 पे। एक और ब्रेक चेक आ गई भाई, दूसरी ब्रेक चेक। राइट साइड में ना पीछे पुलिस वाला खड़ा है, रोक के कार देख रहा है कौन रुकता है कौन नहीं। वो नीचे देखना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टैप करेंगे जब आरपीएम ज्यादा ऊपर जाएगा। मेरे पास में ये 12 स्पीड है, 12 स्पीड। और यहाँ की जो रनवे लेन है, ये रनवे लेन देख लो, ये वाली लाल लाल डॉटेड लेन है ना, अगर आपकी ब्रेकें फेल हो जाती है यहाँ पे लेके जाओ। आगे इन्होंने ग्रेवल डाली हुई है, आपका ट्रक नीचे धस जाएगा और रुक जाएगा। 138 लेफ्ट ईस्ट को। मैं सोच रहा सिंगल रोड है लेकिन बीच में डिवाइडर है भाई। जैसे जैसे हम राइट एंड लेफ्ट मारते जा रहे हैं ना भाई, नॉर्मल दुनिया से नाता अपना टूटता जा रहा है। ब्लाइंड स्पॉट बहुत है भाई, एकदम एंगल होता है, आगे दिखता कुछ नहीं है। परा 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 भाई जी, यहाँ पे ड्रोन होनी चाहिए थी लेकिन क्या करें, हमको मालूम नहीं कौन सी लोकेशन कहाँ पे। 5-7% की डाउन तो कोई आ ही नहीं रही भाई। 9-10-11% ये 9 है। ओ सामने रोड देखो यार, वाह मुंह से निकल रहा है वाह। ट्रक पता क्या कर रहा है, आओ 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 कि मैं तो गया भाई, इतनी चढ़ाइयां इतनी डाउन, गियर ले लेके पागल हो रहा है ट्रक, गियर ले लेके। ये आया देखो यू टर्न भाई, दुनिया ही और है, बस आपको ड्रोन उड़ा के दिखाने वाला मौसम है। ओ फेरी निकल गई, ओए मेरी फेरी छूट गई भाई, वो जा रही है फेरी, लेट हो गए। सारी ट्रैफिक खड़े होगी भाई, फेरी की वेट कर रही है। देखो वहां से फेरी मिलेगी आगे, और ये फेरी है, दो फेरियां चल रही है। ये देखो एक जा रही है एक आ रही है। ये देखो हमने अपना ट्रक उधारा दे दिया,
जर्मन से आए, यू आर फ्रॉम जर्मनी या? एपीटी वालों आपका ट्रक बिजी हो गया देखो। ये बोल दी कि मैंने फोटो खिंचानी है, मैं बोला फोटो के लिए हम ऑलवेज रेडी रहते हैं। और हमारी फेरी भी आ गई, ये देखो भाई हमारा ट्रक देखो वायरल हो रहा है, वायरल। इतनी शांति है भाई यहाँ पे, सारों ने सारे बंदों ने अपने इंजन बंद किए हुए हैं, अपने नहीं मीन्स की गाड़ियों के इंजन बंद किए हुए हैं। हर एक फेरी का अपना एक स्टाइल है भाई। आप कनाडा तो पहुंच गए हो, आपने 2 साल काम भी कर लिया, अभी आपका घर लेने का टाइम है। बैंकों में मॉर्गेज हर तीसरे बंदे की अटकी हुई है, उसका मेन रीजन वही होता है कि आपकी इनकम कम है और बड़ी इनकम चाहिए। लेकिन उसके बहुत सारे प्राइवेट सॉल्यूशन होते हैं, वो बंदे जो होते हैं ना वो बिहाइंड द सीन होते हैं, हमको दिखते नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए इस चीज से। आपको अपना घर लेना है, आपको अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव करानी है, तो उसके लिए आपको किसी खास बंदे से मिलना पड़ता है। मेरो ये मेरा ब्रदर है फतेह रैसी। तो भैया आपकी स्पेशलिटी किसमें? रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस, कमर्शियल मॉर्गेजेस, प्राइवेट लैंडिंग एंड कमर्शियल ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट मींस कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के ऊपर आपको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। भाई मेरे बिजनेस की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल जी, ट्रकिंग ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट, ट्रकिंग ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट मींस कि अगर आपके एक से ज्यादा ट्रक है तो भी आप लाइन ऑफ क्रेडिट लेना चाहते हो। आपकी इंस्टॉलमेंट अटकी हुई है, कुछ कई बहुत सारे खर्चे होते हैं ट्रकों के जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। मिलेगी आपको बैंकों से, लेकिन सॉल्यूशन होते हैं उसके, उसके लिए स्पेशल कुछ प्रोविंसेस है, मैनिटोबा, ऑन्टारियो एंड सून दे विल स्टार्ट इन अल्बर्टा। इसका एक अपना अलग ही स्टाइल है देखो। आराम से हो, आराम से, आराम से। सीधा पानी में उतारेंगे क्या? अपने ट्रक की फोटो हो रही है, ये देखो अपनी अपनी जगह पे फोटो खींचने कोशिश कर रहे हैं। आया भाई खींच लिया फोटो, फोटो गई। दो ही ट्रक हैं, बाकी सारी कारें, और किसी को यहाँ पे पंजाबी इंग्लिश किसी से कोई मतलब नहीं है, सारे दूसरे हैं। लाला डिग पे समुद्र च पूरी रौनक लगी हुई देखो शिप के ऊपर। वो गई भाई फेरी, अगर हवा ज्यादा तेज ना होती तो हमारा पक्का ड्रोन उड़ाने का मन था। ड्रोन मैंने खोल के रखी हुई, लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है भाई। भाई ये तीसरी फेरी है, सबसे बड़ी फेरी हमने ली न्यू फाउंडलैंड से, बड़ा वाला शिप था। उसके बाद मैं छोटा शिप लिया, ये थोड़ा सा उसका बड़ा भाई है, क्योंकि इसमें 2-3 ट्रक आते हैं। जो हमने छोटा शिप लिया था उसमें एक ही ट्रक आता है। इनमें से आधे बंदों ने ट्रक ही नहीं देखे भाई। ट्रांटो तो लोड ले गए, ट्रांटो तो ये भाई ट्रांटो से चलता है पक्का, कैनेडियन टायर के कंटेनर लेके भाई। सर्दियों में भाई कैसा होता है ये माहौल इधर? बहुत गंदा। इतने गंदे रोड है ना वो गोल गोल वाले। हाँ। फिर ऊपर जाके दिखता नहीं है कुछ भी, आगे जाके हो रहा है खराब मिलूगा रोड। कोका हिल पे 8-9% है, 7-8% कोका। हाँ जी 7 है 8 है, और यहाँ पे भाई 7-8 तो कोई मैंने नहीं रखा थी, 11 होती है 12 होती है। वो डैम वाली कितनी जो आगे डैम आएगा वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा डैम होना जी अगे। मतलब कनाडा का सब तो गंदे रोड जो आए रोड, कनाडा के सबसे वॉस्ट रोडों में से एक रोड है। हाँ जी। जिस पे हम जा रहे हैं, अगर हम सबूते सही सलामत वापस आ गए तो बस समझ लो कि हमने एक और झंडा गाड़ दिया। साढ़े 700 किलोमीटर पड़े हुए हैं, और फेरी के बाद में एक फेरी जहाँ रुकती है वहाँ पे टाउन है, एक ये फेरी के बाद में आगे दूसरा टाउन आया। ये 12% डाउन है भाई, 12% डाउन है ये। फोटो दी हुई ना देखो, ऐसे 12% डाउन के बाद में अगर एकदम से ऐसे आगे से ट्रक आता है और कर्व आती है तो आपकी स्पीड कंट्रोल में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रक तो घूमेगा, ट्रेलर भी घूमेगा, लेकिन अगर लोड घूम गया ना पीछे से भाई तो फिर बाद में कोई हल नहीं है उसका। बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे हम लोग रुके चाय उठाएंगे,
यहाँ पे टिम ऑर्डर है, इंग्लिश ही दिया था, चक्कर पै गया ना यहाँ पे भाई, इंग्लिश नहीं आती किसी को, सारे फ्रेंच बोलते हैं तो लफड़ा हो जाता है, हमारी भाषा समझ नहीं आती इनको। वो कैप वाला बंदा है ना, उसको इंग्लिश आती है, वो समझा रहा है। टाउन का क्या नाम है भाई मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतना मेरे को जरूर मालूम है कि यहाँ पे टिम ऑर्डर मिल गया, वो भी रोड के ऊपर ही है, जगह बहुत है। ये भाई जो है ना, ये अपने साथ ही जाएगा लैब्रेडार तक, और ये पहले गया हुआ है, इसकी अपने को हेल्प बहुत मिल रही है। यार लोड के ऊपर हाथ ही नहीं मारा यार, कितनी बड़ी गलती है। कभी जिंदगी में आपको वेबुश लैब्राडोर आने की जरूरत पड़े, जो न्यूफाउंडलैंड का ही एक छोटा सा शहर है, तो आपको एक शहर आएगा बाइक कीम्यू रास्ते में 138 के ऊपर। जैसे 138 के ऊपर ये वाला शहर आता है, तो ये वाला पेट्रो पास है, ये आपका लास्ट पेट्रो पास होगा। इसके बाद में आपको कोई भी ऑफिशियल पंप नहीं मिलेगा, एक पाइपलाइन कंपनी का पंप है वो शहर के अंदर मिलेगा। अगर आप ट्रक लेके आ रहे हो वजन ज़्यादा है, तो यहाँ से 500 से ऊपर किलोमीटर है वेबुश के लैब्राडोर के, तो आपका ट्रक वापस आने में कई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से डीजल डाल के फिर आगे निकलो। इसके आगे ना आपको नेटवर्क मिलेगा, ना आपको डीजल मिलेगा, ना आप किसी से बात कर सकते हो, आपका दुनिया से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी लाइफ के जिम्मेवार इसके आगे खुद हो, और ऊपर वाले से बातें करो बस, और किसी से बातें हो नहीं सकती। एक शावर भी है यहाँ पे, और एक छोटा सा प्लाजा, यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है ओवर्ट ओपन है ये। लोड चेक पा गए हैं भाई, लोड देख के आए हैं, लोड सारा सेट है। यहाँ से मोबाइल में लोकेशन डाल लेनी है, यहाँ से ही घर वालों को कॉल करके बता देना कि अभी 5-7 घंटे, 7 से ज्यादा ही हो जाएगा, अभी 2:30 बजे हुए हैं, 2:20 है, किलोमीटर अपने को 600 है यहाँ से, लेकिन 600 किलोमीटर निकालने के लिए 10 घंटे आराम से चले जाएंगे, बड़े आराम से 12 से ऊपर टाइम हो जाएगा रात को देखना। तो ये देखो स्केल है, और ये स्केल बंद है, पेट्रो पास के ऊपर भी पार्किंग बहुत है, अगर स्केल बंद होती तो ट्रकर पास, अगर आपके पास में है तो ट्रकर पार्क के ऊपर जरूर आप अपडेट कर दिया करो कि हाँ भाई स्केल जो है वो बंद है। नए तरीके का जंगला भी देख लो ब्रिज का, मेरे को ऐसा लगा एक टाइम के लिए कि इसका ना ऊपर वाला छत के इसके ऊपर छत भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पैसे वैसे खत्म हो गए या क्या मसला हो गया, लेकिन बढ़िया जुगाड़ है। चे मन के सच्चे बच्चे जा रहे हैं साइकिलिंग करने के लिए, दिल तो अपना भी कर रहा है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन क्या करें भाई, घूम आया मैं सारा शहर, लेकिन वो भाई नहीं मिला भाई कहीं भी। अभी यहाँ से लेफ्ट करना है, आगे मेरे को मालूम नहीं कितना लंबा चलेगा 389, लेकिन इतना मेरे को यकीन है कि जितना भी चलेगा ना आतंक ही मचाएगा पूरा आतंक। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और आप मेरी आंखों से देख रहे, क्योंकि जो मेरी आंखें देखती मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आप लोग जब लाइक ठोकते हो ना, अच्छा सा कमेंट करते हो, तो भाई दिल बागो बाग हो जाता है कि किसी का चैनल सब्सक्राइब करने से पहले भाई काफी उसको इम्प्रेस करना पड़ता है कंटेंट से, तो बस मैं कोशिश करता रहता हूँ, बाकी जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। ये खड़ा है, ये खड़ा है, अगर कट्ठे जाने का मन बनाया है तो भाई छोड़ के नहीं जाएंगे एक दूसरे को, जाएंगे तो अभी कट्ठा ही जाएंगे। जैसे 389 के ऊपर लेफ्ट करेंगे ना, तो सामने हालात देखना क्या लिखा हुआ है। अभी मेरे को फ्रेंच तो आती नहीं है, लेकिन पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी फोटो भी खींच लेते हैं। ओए उतरते सारी, देखो रोड कहाँ गया भाई, मजा आएगा भाई, एक तो दिन है एक मौसम अच्छा है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है ना वो भी ना मात्र मिलेगी, क्योंकि इस रोड के ऊपर वही बंदा जाएगा जिसको वेबुश लैब्राडोर सिटी जाना है, या रास्ते में एक दो टाउन होंगे छोटे छोटे। 2:45 के ऊपर हमने ये वाला रोड कट कर लिया है, अभी आगे देखते हैं क्या हालात होती है, ये वाला जो टर्न है क्या आतंक मचा रहे हैं देखो।
कभी कभी ट्रक स्पीड में हो जाता है, फिर ड्रोन पीछे रह जाती है, कभी ट्रक स्लो हो गया ड्रोन उसके फिर बराबर हो जाती है। वो भाई मेरी वेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं रुक के पक्का। चलिए ये वाला बोर्ड दिखता है तो देखो जगह जगह में बोर्ड लगे हुए हैं, अगर हाईवे आगे से बंद है तो फिर भाई यहाँ से ही लाइटें चलती होगी, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आओ जी मूस भाई साहब, सत श्री अकाल। आया 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 तूफान। वाह क्या माहौल है भाई, पीछे इसके टाइम लैप्स देखी और अभी माहौल देखो भाई, खतरनाक माहौल बनने वाला है। चढ़ाई कितनी आती है, मेरा ट्रक 12 स्पीड है, गियर इसके छोटे होते हैं मालूम नहीं क्या चक्कर है, थोड़ा सा ना मध्यम चलता है मध्यम। ओए 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 ट्रक आ गया, ओए वेस्टर्न स्टार, लेकिन छोटा ही है इसके हिसाब से तो भाई 50-60 की एवरेज स्पीड आएगी, 50 की आएगी एवरेज स्पीड, तो अगर 500 किलोमीटर है तो 10 घंटे SOS 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद में एक टेलीफोन आएगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क कुछ नहीं है, बस ऐसे 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 डेटा ऊपर नीचे क्लाइट, जैसे वो सांपों वाली गेम नहीं होती नोकिया के मोबाइल में, वो वाला हिसाब बना हुआ है। इसी मोड के ऊपर ऐसे लाल वाले निशान लगे हुए हैं, येलो वाले, दैट मीन्स की वो वाली जो कर्व है ना जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। ये देखो भाई साहब स्नो में यहाँ पे क्या बनता होगा मेरे को अंदाजा नहीं है भाई, ये रोड जो है ना 500 किलोमीटर ये तो चेनों के बगैर चलने वाला नहीं है, मेरे ख्याल में सर्दियों में चलता होगा या नहीं चलता होगा मेरे को ये भी अंदाजा नहीं है भाई। ये देखो रोड के साथ एक टेलीफोन बूथ लगा हुआ है, SOS लिखा हुआ है, साथ में पार्किंग भी है खड़ा करने के लिए, अगर आपको जरूरत पड़ गई है एमरजेंसी कॉल करने की तो आप यहां से कॉल कर सकते हो भाई। बड़ी स्पीड से आते हैं भाई ट्रक आगे से, हो ये देखो ये पूरा लोडेड है, इतना ऊंचा हो गया अभी मेरे को विजिबल है ये। ओहो बस करा दी, ऐसे ही है बस, ऐसे ही ऐसे पूरी निगाह गाड़ के रखनी पड़ती है कि मेरे पीछे वाले टायर और आगे वाले टायर बराबर होने चाहिए, वो देखो सांप की तरह घूमता है बस, और ज्यादा स्पीड में टर्न घूमगी तो आपको मालूम है बस यही काम चल रहा है। अभी ये देखो जैसे आगे से कार आई आपको कर्व है, आपका ये वाला टायर जो है ना सफेद सॉलिड लाइन के ऊपर घुमाओ, भाई खतरनाक। ये एक पंप है भाई, ये सारे बंद पड़े हुए हैं, वो अपनी टैंक कार में डीजल भर रहे हैं, कल सुबह पहुंच जाएंगे ना। हमको लगता था ना यूकॉन वाला सबसे बैड है, अगर ये हाईवे ऐसे ही चलता रहा लास्ट तक मेरा अब तक का देखा हुआ सबसे वॉस्ट हो जाएगा। वो जो फारो वाला ग्रेवल रोड था वो भी डिटो इसकी कॉपी थी, बस वो ग्रेवल था ये पक्का है, और सुनने में आया भाई बोलता कि आगे जाके ये भी ग्रेवल होने वाला है। ये भाई का कर्जा कहाँ मोड़ेंगे भाई, ये भाई ने कर्जा ही बना लिया देखो। आगे तो ना ओट्स आगे भाई ओट्स, वाह वाह वाह, कोई बंदा नहीं कोई बंदे की जात नहीं। चलो 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 खुल गया खुल गया खुल गया, वो फिर से बंद हो गया, वो एक ट्रक निकाल के ओए फिर से टाइमर चालू हो गया, ओ भाई लग गया मालूम हो गया, मालूम हो गया 13 सेकंड। यूकॉन की याद आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे को तो आ रही है भाई, अभी जब अंधेरा हो जाएगा ना फिर ज्यादा आएगी, क्योंकि सफर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, सफर निकल नहीं रहा, इतना है कि रोड के ऊपर ना मेरे को कोई भी बालू दिखाई नहीं दिया, उसकी मर्जी है कहीं से भी निकल आएगा भाई, उसका राज चलता है, उसका घर है ये जंगल। भाई ये डैम है बहुत बड़ा, और बाहर देखो भाई बाहर बाहर कैमरा सेट किया है, यहाँ कहाँ देख रहे हो, ये आया
आया आपके भाई का ट्रक ब्रिज के ऊपर। वाह, ये बड़ा काम करने के लिए दिल तरस गया था यार। शुक्र है बाबा जी। व्यू देखो, व्यू ओए 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 ओए। चौथा, तीसरा गियर लेके गई, तीसरा, दूसरा। भाई ट्रक ही रुक गया यार। ओहो, पहले में पीटर बेल्ट, पहला गियर 12 स्पीड। और वो देखो नीचे, पहले किसी का टायर उन्हें स्लिप निकाला हुआ ना यहाँ पे। पहला गियर ले गया भाई, 12 स्पीड पहला गियर। बहुत ज्यादा चढ़ाई है भाई, डैम के बाद वाली चढ़ाई है ये। जितना मजा था ना, सारा मिट्टी में मिल गया। सामने देखो, वही यूकॉन वाला हाल हो गया। रोड राड कहाँ गए कुछ मालूम नहीं है। और ये एक 12 स्पीड है ना, जब ये गियर चेंज करता है चढ़ाई के ऊपर, तो ये टेंशन ले जाता है जैसे पहले टेंशन ली थी इसने। अभी देखो भाई, गलत डिसीजन ले लिया। बेईकॉमियों तक आना चाहिए था, सुबह 7 बजे निकलना चाहिए था बेईकॉमियों से। ये तो पूरा यूकॉन वाला काम हो गया भाई। 365 किलोमीटर अभी पड़ा हुआ है भाई। अगर ऐसा ही हार रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ले लिया मैंने। ये तो फिर सारी रात ऐसे रोड के ऊपर 50 के ऊपर मथा मारना पड़ेगा। पीछे जगह आई थी, सो जाना चाहिए था लगा के। रोड पक्के नहीं हो रहे, चल क्या रहा है ये कनाडा में। माहौल देखो बार भाई कितना खतरनाक हो गया। वो भाई के पास में कंटेनर है, तो कंटेनर का मसला पता क्या होता है, वो बंद डिब्बे में पड़ा हुआ है, उससे कुछ गिरना नहीं है। लेकिन मेरे पास भाई ओपन लोड है पीछे, और मेरी जिम्मेवारी है कि इसको सही सलामत लेके जाना है वहां तक। वॉशरूम करना भी मुश्किल हो गया भाई, भागो। नीचे रोड की हालात देखो कैसी है। ये पीटर बेल्ट की लाइटें देखो, लो बीम है ये और ये हाई है। रोड एक होने के चक्कर में ना ऐसा है कि इस रोड के ऊपर कोई ना कोई आधे एक घंटे के बाद में दिखेगा जरूर, क्योंकि और कोई रोड है ही नहीं वहां जाने वाला। जो भी वहां से आएगा, जो भी वहां जाएगा, यही ग्रामर रोड ही पकड़ के जा रहा होगा। ये एक नया सांप निकाला हुआ है भाई, इधर से रोड ही बंद किया हुआ है, बोलते हैं कि राइट जाओ। ये टेम्पररी रोड को ही बनाया होगा, अभी मालूम नहीं टेम्पररी रोड का हालात कैसा होगा, उससे भी बदतर होगा या अच्छा होगा। जो पहले वाला रोड था ना ग्रेवल वाला, वो थोड़ा ऐसा था कि 50-60 की स्पीड के ऊपर आराम से ट्रक जा रहा है। अभी टोए तो बचा नहीं सकते क्योंकि सारा रोड टोयों से भरा हुआ है, लेकिन हाँ टोए वो वाले नहीं है कि ट्रक को नुकसान पहुंचाएं। ये इन्होंने अल्टरनेटिव रोड को ही बनाया हुआ है। देखो
मेरे को तो पूरी यूकॉन वाली याद आ गई, जंगल वाले रोड की। मैं तो वही फील कर रहा हूँ कि हाँ भाई तब भी फंस गया था, आज तो चलो और कोई ऑप्शन है नहीं ना कि हाँ मैं ऊपर से घूम के आ जाता हूँ, पक्के पक्के रोड से आ जाता। यहाँ पे तो पक्का कच्चा सब है, यही है, जो भी है यही है, बस बस लूटने लाटने वाले बंदे ना हो यहाँ पे, बाकी सारा ठीक है। और ट्रक सही चलना चाहिए बाबा जी, क्योंकि ना कोई नेटवर्क है। ये भी हमारी तरह कोई भूला भटका लगता है, रात को ये भी घूम रहा है। और यहाँ पे रास्ता बहुत कम है भाई जी, तो रास्ता दे देना प्लीज। मैंने भी लाइटें कम कर ली हैं क्योंकि रोड ना रोड की चौड़ाई कम होगी यहाँ पे। वैसे स्लो तो उसने भी कर लिया है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा ना हो ना उसका टायर कच्चे में निकल जाए या मेरा टायर कच्चे में निकल जाए और बाद में हम कच्चे में निकल जाए। ओ तेरी ओए, ओए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ओए भाई मेरे, ओए 25 की स्पीड है। सामने से ट्रक ना ही आए तो अच्छा है भाई, मैं तो सोच रहा था कि सामने से ट्रक आता है दिल लगा रहता कि हाँ भाई कोई ना कोई आ जा रहा है। ये तो भाई उसको भी प्रॉब्लम हुई होगी, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई होगी। अगर यहाँ पे कस्केडिया होता ना, उसकी लाइटें होती, कस्केडिया की लाइटें। और ये जो आपकी वीडियो का प्रिंट है ना, ये रात को भी 4K में चलना था, 4K में कस्केडिया की लाइटों का जवाब नहीं भाई। वॉल्वो मैंने यूज नहीं किया, पीटर बेल्ट और कनवर्थ मैंने दोनों यूज किए हैं, और पीटर बेल्ट लॉन्ग नोज भी, कोई फायदा नहीं लाइटों का, लाइटें इनकी बेकार। ओए होए 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 ये तो कच्चे पैर से भी बुरा हाल हो गया यार। आ जा भाई आ जा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा आराम आराम से। ओए इसने भी ये छोटी सी जेसीबी लोड की हुई है, कैसे दबा के जा रहा है। देखो गड्ढे में लगे कोई पैप निकल गया, कुछ निकल गया तो बाद में मौका हाथ में नहीं आना, सारी रात यहाँ पे बैठना पड़ेगा। इतनी दूर कौन सर्विस लेके आएगा, क्या करेगा। ऐसा पिक्के वाला हमको यूकॉन भी मिला था ना फैरो में, तो मेरे को डर सा लगने लगा था कि भाई कहीं लूटने वाले तो नहीं आ गए। लेकिन इस रोड के ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक है, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद में आया कोई। ओहो ज्यादा कुछ धुआं उठा के गया ये। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना एक्सीलेटर से पैर उठा लो भाई, तो फिर थोड़ी देर वेट करो, अभी धुआं आसपास में बिखरेगा लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो दिखना चालू हो जाएगा। कुछ ऐसा हाल है भाई स्पीड का और गियरों का, छेवें गियर में 25, 26, 27 ऐसे ही जा रहा हूँ, बस आराम आराम से बढ़ते जा रहा हूँ। लेट पहुंच जाएंगे लेकिन सही पहुंचने चाहिए बस। ये देखो साथ में आ रहा है ना 202 था यार, 202 नहीं था, मैं टेंशन ले गया यार, मैंने बोला 200 ही निकाला है अभी तक हमने, नहीं 300 निकाल दिया, 200 पक्का 100 कच्चा। लोगों की सुविधा का ख्याल उन्होंने पूरा रखा है। ये देखो SOS 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद में टेलीफोन है भाई, अगर किसी का गाड़ी खराब हो गई या किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो 10 किलोमीटर जाएगा कैसे यहाँ से, ये भी एक मसला है। कोई कोई चढ़ाई मेरे को ऐसा लगता है 15% के पास में हो जाती है, पूरे 120 किलोमीटर के पास में भाई कच्चा रोड क्रॉस करने के बाद में अभी मेरे को दो पीलियां वाली पट्टियां दिख रही हैं, और मेरे ख्याल में ये पक्का रोड ही होगा, इसके नीचे है ना पीली वाली पट्टी है। तो अपने आप को मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि यकीन नहीं हो रहा कि भाई शुक्र है पक्का रोड दिखा कहीं। मेरे को मेरे बक्से गिनती करने दो भाई कितने, मगर और तो नहीं भाई, और तो नहीं कच्चा रोड आएगा अभी, और भी कच्चा रोड है लास्ट तक जाके आऊंगा होना। कितने किलो एंड जेड़ा ना एंड फेर मिलूंगा, थोड़ा गलत होगा। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। दिल तो कर रहा है भाई यहाँ पे सो जाए बस, है ना, बहुत हो गया यार। चंद्रमा देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, इनका हाल चाल क्या है भाई जी। सही है सही है, टायर टप्पे पूरे हैं ना, ऐसा ना हो सुबह देखें भाई एक दो टायर ही कम है पीछे, ये डीली हो गई भाई। काले वाला दोस्त तो नहीं रहता ना यहाँ पे, ये तो सोए हुए लगा के भाई, लाइटें वाइटें चल रही हैं, टायर पूरे हैं। ये तो भाई मेरे को लगता है टूट गया यार, व्हाट इज दिस मिट्टी, ओह माय गॉड। जितना पीछे बुरा हाल है ना उतना ये रोड अच्छा बनाया हुआ है। चलो ये जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इतनी स्पीड ठीक है, इतनी स्पीड पर सफर निकलता है भाई। ये देखो भाई हाईवे का हाल देखो, ये हाईवे फिर कच्चा हो गया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसा ही चल रहा है। आए, आए। वो किस तरफ है, राइट है लेफ्ट है? ओ
देखा देखा आपने, जैसे जैसे ट्रक की रोशनी पड़ती है ना लाइटों की, तैसे तैसे मेरे को मालूम पड़ता है कि जाना किस तरफ है आगे। ये 100 किलोमीटर भी ऐसा ही है, 100 किलोमीटर मीन्स की 2 घंटे। ओवरटेक का मसला हो गया भाई, ओवरटेक का मसला हो गया। बस वाला देखो ये डेली जाता होगा भाई, इसकी स्पीड देख के पता लगता है कि ये हिमाचल वाला रोडवे का ड्राइवर है भाई। हिमाचल वाले बच्चों वाले देखा कितना एक्सपीरियंस होता है उनको, 80-90-100 के ऊपर ऐसे घुमाते हैं क्योंकि डेली का काम हो जाता है उनका। कैमरामैन फोकस, टेम्परेचर पे फोकस, 3 डिग्री टेम्परेचर भाई, 3 डिग्री। वार्म अप कर लेना तो भाई। कर लो। कौन सी जिंदगी में बढ़कर है भाई, कुछ समझ नहीं लग रहा। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, अभी आप लोग बोलोगे न्यूफाउंडलैंड तो आप पहले भी जा गए हो, वहाँ पे इतना बड़ा लोगो लगा हुआ था, लेकिन मसला पता क्या हुआ है, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर से वापस गया। तो मेरे को किसी ने बोला तू न्यूफाउंडलैंड गया लेकिन लैब्राडोर नहीं गया। मैं बोला वो क्या सिस्टम, बोलता है कि वो वाली साइड जो है ना वो न्यूफाउंडलैंड है और लैब्राडोर एक सिटी अलग बनी हुई न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई भाई, मैं बोला कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे। कंपनी बोलती थी कि भाई इधर का ट्रिप है, मैंने बोला भाई उठाएंगे। तो वो ट्रिप लेके पहुंच गए यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर। ये बाय रोड है, वो बाय फेरी है ना, ये बाय रोड आता है बड़ी दूर यार। जो ग्रेवर रोड के पैर, जो दूसरे वाला ग्रेवर रोड था ना भाई, खतरनाक था ना, बहुत गंदा। वो पंबीरी कमाई हुई मन, पंबीरी नहीं होती पंबीरी। टिप देना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी सुती या नींद है आपके दिमाग में तो भाई साइड पे लगा के सो जाओ, ड्राइव ना करो, रास्ता नहीं पकड़ो। ये रास्ता शॉर्टकट है, अगर सुस्ती पड़ी हुई ना शॉर्टकट है ऊपर जाने का। सही बात है, डरे हुए थे हम भी, हमारी लॉग बुकें चल रही हैं, हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, एक आध फोटो खिंचाएंगे और तत्तर हो जाएंगे यहाँ से। आपको सुबह दिखाएंगे कि 3 दिन से किस चीज के लिए हम भाग रहे, मालूम नहीं। अभी वो बात हो जाएगी खोदा पहाड़ निकली चूया, निकलना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाई होता है कि यार हम वहां गए, हम वहां गए, हम वहां गए। अपने अपने शौक होते हैं यार। जैसे ही आप लैब्राडोर सिटी के अंदर घुसते हो ना, ये देखो वॉलमार्ट की पार्किंग है, तो वहां पे 2 ट्रक लगे हुए हैं और मैंने भी यहाँ पे लगा दिया। बहुत लंबी ड्राइव है यार, बेवजह लंबी ड्राइव है। व्लॉग तो मैंने वहां पे खत्म कर दिया, लेकिन कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो आप बताने वाली हैं। जो भी लोड यहाँ का होता है ना लैब्राडोर सिटी का, वेबुश वाली साइड, वो वाला न्यूफाउंडलैंड, वो भी महंगा होता है लेकिन ये एक्स्ट्रा महंगा होता है। क्यूबिक सिटी से बाहर निकल के ना, तो जितना भी ये 1000 किलोमीटर का, 1100 किलोमीटर का ये सफर है, टोटल डबल टाइम वाला सफर है, पूरा खींच के चलाओगे ना तो ये 1000 किलोमीटर को आपको 16 घंटे लगे, ये 600 किलोमीटर को हमको 10.5 घंटे लगे। जो बंदे पक्के यहाँ पे काम करते हैं, मेरे को क्या लगता है कि उनके जो सेंट है नॉर्मल से ज्यादा होने चाहिए, चाहे गर्मियां चाहे सर्दियां। भाई गर्मियों में डबल टाइम लग रहा है यहाँ पे, सर्दियों में तो भाई यहाँ पे ग्रेवर रोड है, उनके पास में रोड नहीं बन रहा तो साफ कौन करता होगा इसको, ग्रेवर रोड को। कल वाले ब्लॉग में देखना कि भाई 100 मीटर का पैच ऐसा नहीं आया, राइट या लेफ्ट टर्न नहीं है। लैब्राडोर सिटी से 60 किलोमीटर पीछे आपको नेटवर्क मिलेगा और बाकी 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर नेटवर्क की 0 भी नहीं आएगी। वहां से एक बार नेटवर्क बंद हो गया, दैट्स इट। जहां से हमने डीजल डाला, जब हम इधर निकले तो 100 किलोमीटर के बाद में एक भी स्टॉप आता है और उसके बाद में 200 किलोमीटर के ऊपर भी स्टॉप आता है। पहला डैम देखिए आपने, पहला डैम दूसरे डैम से पहले जस्ट रेस्टोरेंट भी है, डीजल भी है कारों के लिए, वो सब कुछ है। ठीक है भाई, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं कल नए वीडियो में, बाय। You can have whatever you like when it's you and I.